हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न को लेकर के, उसमें जो जो है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिससे जो छात्र है उनके अंदर बहुत ही अच्छी जो है खुशी की लहर है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, आप सभी लोगों को पता होगा, जब बीपीएससी टीआरई में जो टीआरई वन अभी आपका जो हाल ही में संपन्न हुआ प्राइमरी शिक्षक भर्ती का, उसमें जो है आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले और उस 5 ऑप्शन के तहत जो है बहुत सारी कंफ्यूजन भी देखने को मिली। और खासतौर पर जो अदर स्टेट के जो छात्र थे उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिली, क्योंकि उनको इससे पहले जो है एक्सपीरियंस 5 ऑप्शन का नहीं था। हालांकि बैंकिंग के एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन आते थे, जैसे आईबीपीएस वगैरह भी 5 ऑप्शन आते थे, लेकिन बीपीएससी में जब 5 ऑप्शन आया तो उसमें से जो 1 ऑप्शन था यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और जो 1 ऑप्शन था वो था इनमें से कोई नहीं। ये 2 ऑप्शन जो है छात्रों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर इसमें बदलाव क्या हो रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी प्रकार की अपडेट चाहिए। फिलहाल आपको यहाँ पर हो सकता है कि स्क्रीन पर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे हो, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहली पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले थे, अब वो 5 ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी ये नहीं क्लियर है कि 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपका हटाया जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला हटाया जाएगा या इनमें से कोई नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब आपके जो एग्जाम होने वाला है आपका टीआरई 2.0, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं यहाँ पर दिखा दूं, जो फर्स्ट सेक्शन आपका लैंग्वेज का आने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, इसमें आपको पास होने के लिए मात्र 9 नंबर की आवश्यकता होगी। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताई गई है कि जैसे कि आपको पता है कि उसमें 22 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे और 8 प्रश्न आपके इंग्लिश के रहेंगे, इन दोनों को मिलाकर जो है टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और इन दोनों को मिलाकर आपको 9 नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 30% इसका यानी 6.6 इसका लाना है और 2.4 इसका लाना है, ये आपको नहीं करना है। आप जो है आप भले ही मान लो इंग्लिश में आप एक भी नंबर नहीं ला रहे हो, लेकिन अगर आप इस हिंदी में 22 में आप 9 नंबर ला रहे हो तब भी आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में भी 30% अलग से लाना है और इंग्लिश में 30% अलग से लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 30 क्वेश्चन में 9 नंबर लेकर आना है। तो एक सबसे बड़ा जो अहम चीज ये है कि आपको 30 में 9 नंबर लाना है। अब चाहो तो आप 9 नंबर हिंदी में ले आओ या फिर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 9 नंबर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बदलाव है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, आपको लगातार मुझसे पूछ भी रहते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग जो है होगा या नहीं होगा, तो उस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। और जो 5 ऑप्शन होने वाला था उसको हटाकर 4 ऑप्शन कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अगर निगेटिव मार्किंग नहीं, ऑप्शन आपका कम है, तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं तुक्केबाजी 2-4 क्वेश्चन पे कर देते हैं, तो तुक्केबाजी में भी आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है उसमें तुक्केबाजी करोगे तो बहुत कम नंबर आते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैटेगरी में आते हैं और 2-3 नंबर से वो क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं पास कर पाते, तो उनके लिए जो है थोड़ा अच्छी चीज है। बाकी जाहिर सी बात सभी को पता है कि तुक्के से नौकरी नहीं लगती है, बट ठीक है चलो, अगर जो भी है छात्र ऐसे उन लोगों के लिए बेनिफिट हो गया है। तो बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने आ रही है कि अब 5 में से सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।